हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, फाइनली आ जाएगा कि आपको मालूम है आपकी ईएमआरएस की आंसर की आउट हो चुकी है ऑल पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम उसका कट ऑफ कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। एक्चुअल कट ऑफ जो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और बता देता हूँ आपको कि आपको कट ऑफ जानने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं ये हमारे स्क्रीन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे YouTube चैनल है, इस पर चले आना। यहाँ पर कम्युनिटी सेक्शन दिखेगा आपको, इस पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने ईएमआरएस लैब अटेंडेंट आंसर किया आउट कितना स्कोर बना, नेगेटिव काटकर एक ये पोल है। इसके बाद ईएमआरएस अकाउंट आंसर किया आउट, इसका पोल है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे जाएंगे तो हॉस्टल वार्डन का पोल है यहाँ पर। और इसके बाद जैसे आंसर किया आउट हो चुकी है, कितना स्कोर बना है नेगेटिव काटकर, इसका भी मैंने पोल एक कंडक्ट करा दिया है। तो यहाँ पर जाकर आपको एक तो पोल कंडक्ट करना है कि कितना आपका मार्क्स होना है। अगर इस कैटेगरी में किसी के मार्क्स नहीं आ रहे तो वो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें कमेंट जाके कमेंट कर देना कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। एक तो चीज़ ये चीज़ करनी है आपकी, ठीक है। तो चैनल पर जाइए सब्सक्राइब करके और इसको कम्युनिटी सेक्शन पर जाके ये सारा कुछ अब भर दीजिए। दूसरी चीज़ ये करनी है कि जितने भी ईएमआरएस जेएसए के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम पर, ठीक है, जाके सर्च करके ज्वाइन कर लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैसेज कर लेना। यहाँ पर ईएमआरएस जेएसए आंसर की आउट जो हो चुकी है आपकी, उसके लिए देखिए कट ऑफ सर्वे फॉर्म मैंने तैयार किया है जिसमें आपको कुछ डिटेल भरनी है, इससे हमें एक्चुअल कट ऑफ मिल जाएगा। ये लिंक है उसकी, इस लिंक पर क्लिक करके आप भर लेना, ठीक है। ये लिखा है तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए पहले और इस लिंक पर ऐसे क्लिक करेंगे आप, देखिए इस तरीके से, तो ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर आपका डाल देना है, आपका नेम डाल देना है, एग्जाम की डेट क्या थी, शिफ्ट डाल देनी है, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आपने दिया, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट किए, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने थे और फाइनल स्कोर आफ्टर नेगेटिव मार्किंग कितना बनना है, और उसको सबमिट कर देंगे आप, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपको करनी है, आपको एक एक्चुअल कट ऑफ का अंदाजा जो है यहाँ पर लग जाएगा। और किसी ने अपनी आंसर की चेक नहीं की है तो यहीं पर देखिए मैंने आंसर की लिंक वगैरह डाल रखी है, ये वाली, ये वीडियो देख लेना किस तरीके से आपको आंसर की चेक करना है, चैलेंजेस किस तरीके से करना है, सारा कुछ इस वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो जाइए ये चीज़ कर लीजिए, फिर हम आज रात तक देखते हैं 11-12 बजे तक, जितना ज़्यादा डाटा हमारे पास आ जाएगा तो आपको कट ऑफ बना देंगे, नहीं तो कल आपको मॉर्निंग में इसका कट ऑफ मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस लिंक को, कीजिए यूट्यूब पे जो पोल है उसको भी जाके शेयर कर दीजिए ज़्यादा, जिससे दोस्तों हमें एक्चुअल डाटा मिल सके और आपको एक्चुअल कट ऑफ हम बता सकें, ठीक है। तो जल्दी जाइए ये चीज़ें कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।